हाय एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीड नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। आज हम बात करेंगे लास्ट लास्ट टॉपिक की, विच इज माइक्रो बॉडी। सिर्फ एक लाइन लिखी है इसके बारे में एनसीईआरटी में, बट उसको भी समझना जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आपने आपकी टेक्स्ट बुक में भी प्रोमिनेंटली नहीं दी गई हैं, बट उनको अगर समझ लेंगे तो अगर उन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो लाइक आई से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मेक श्योर करिए कि आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए नोटिफिकेशन आ जाए। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सेल, क्लास 11 चैप्टर 8, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज, माइक्रो स्मॉल, बॉडीज हमें पता है। सो माइक्रो बॉडीज एक्चुअली चीज क्या है? माइक्रो बॉडीज की अगर हम बात करें, माइक्रो बॉडीज यानी ऐसे कि स्मॉल, बहुत ही स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो आपके सेल में हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंटली ये पॉइंट आउट नहीं किए गए हैं, बट नॉनदलेस दे आर प्रेजेंट। ठीक है, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, तो अगर हम ये कहें, इसके अलावा आपके जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी आपकी माइक्रो बॉडीज पाए जाते हैं। प्लस अगर हमको देखना हो, ठीक है, इस तरीके से आपकी एक माइक्रो बॉडी होती है। एग्जाम्पल्स कुछ अगर हम देख लें, परऑक्सीजोम, ग्लायोक्सीजोम, ठीक है, जहां तक ये है यही है आपका ग्लायोक्सीजोम जो मैंने ड्रॉ किया है। सी, इनमें कुछ एंजाइम्स हैं जो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। जहां पे आपका सिंथेसिस ज्यादा है, जहां आप प्रोटीन ज्यादा सिंथेसाइज कर रहे हो, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, वहां पे भी उनका एक अच्छा खासा मेजर रोल है। वी ऑल नो कि एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कोई भी आप चीज उठा लो, हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कहीं भी देख लो, स्पेसिफिकली जो आपकी लिवर है उसके सेल्स में आपको जो माइक्रो बॉडीज हैं वो बहुत ज्यादा मिलेंगी। एंजाइम्स जो हैं, जैसे मैंने कहा, डाइजेशन में एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक एक फूड जो हम खाते हैं, जब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उसकी डाइजेशन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये जो एंजाइम्स हैं, ये इस तरीके के छोटे छोटे वेसिकल्स में, वेसिकल मतलब लगभग स्फेरिकल कह सकते हो, इनमें प्रेजेंट होती हैं एंड दे एक्ट अपॉन देयर ओन सबस्ट्रेट। ठीक है, अब इनको अगर हम समझ लें, सबसे बाहर वाली जो है, ठीक है, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर की तरफ को जो स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इज मैट्रिक्स, और जो एकदम ही अंदर है ये, ठीक है, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड योर कोर। ये एक टिपिकल आपकी माइक्रोबॉडी है, यहाँ पे ग्लायोक्सिजोम। ठीक है, सो इतना अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर याद रख लिया, जैसे हाइड्रोजेनोजोम भी होता है, हाइड्रोजेन ओजोम, ठीक है, तो ये दो तीन नाम्स हैं, इजी हैं, इतना याद कर लीजिए, इनफ हो जाएगा। बस ये याद रखिए कि जो आपके वेसिकल्स हैं वो हैं आपकी माइक्रोबॉडीज, दे आर प्रेजेंट इन द सेल, सेल में ही होंगी। जहां कोई बहुत ज्यादा सिंथेसिस होता है, जहां बहुत ज्यादा फंक्शनिंग होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, वहां पर ये आपको ज्यादा नंबर्स में मिलेंगे। ठीक है, विद दिस माइक्रो बॉडीज इज ओवर। छोटा सा टॉपिक, लाइक आई सेड, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है इसके बारे में, बट अब आपको क्या करना है, अब चैप्टर खत्म हो गया है, पूरा चैप्टर एक बार शांति से बैठ के पढ़ लीजिए। जस्ट रीड द चैप्टर वंस एंड जस्ट सी टू इट दैट आप कहीं ना कहीं इसको प्रॉपरली समझते जा रहे हैं। अगर कहीं भी फंसते हैं, आपके पास सारे वीडियोज हैं, या एक काम कर सकते हैं, आप सारे वीडियोज लाइन से देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मोमेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जहां फंस रहे हैं उसको दोबारा रिवाइज कर लिया, फिर कोशिश की कि क्वेश्चन अब समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका सारा का सारा चैप्टर रेडी हो गया। और यही तरीका है, पढ़ा, वीडियो देखा, क्वेश्चन सॉल्व किए, रिवाइज किया, इसी से जाके आपके जो है चैप्टर एक एक के बाद प्रिपेयर होंगे। सिर्फ रीड करने से नहीं हो पाएगा, यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये जानना भी जरूरी होगा। ठीक है, चलिए, विद दिस वी आर एंडिंग सेल। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होती है प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, नीचे कमेंट करिए, हमें बताइए नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैम ये पढ़ा दीजिए। सो विल लुक इन टू इट एंड हम कोशिश करेंगे कि हम वो आपको पढ़ा दें।
ठीक है. सो आई विल सी यू सून विद अनदर चैप्टर नाउ. टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, स्टे हैप्पी.